ओम शांति। 18 अप्रैल 1968 की वाणी प्रातः क्लास। आज कल सवेरे 4 से 5 बजे तक योग का क्लास होता है। आप लोग भी आकर के कल क्लास ले लें और दिल सिखाने के लिए आइए। ये अभी है ये ज्ञान का क्लास और वो था योग का क्लास। और योग कौन सा, ये बहुत अच्छी विधि समझना है क्योंकि बहुत मनुष्य हठयोग में फंसे हुए हैं और वो हठयोग हठयोगी मनुष्य ही सिखलाते हैं। और ये है राजयोग जो कि परम पिता परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा ही देने वाला राजयोग सिखलाने वाला राजा तो कोई है ही नहीं जो राजयोग सिखलाने। ये है भगवती भगवान। राजयोग सिखावे तब ही भविष्य में भगवान भगवती बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नई देवताएं। इस समय तो सभी मनुष्य पुराने हैं, पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुराने बने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं नए देवताएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? नई दुनिया में मनुष्य क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां मन काम ही नहीं करता। देवताएं सब अमन हो जाते हैं, बल है तो मनुष्य ही, परंतु वो दैवी गुण वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं, बाप भी बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला भूत है, ऐसे कामी कुत्ता बहुत है ना, कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है कुत्तों में सल भौं भौं क्यों करते हो, ये तो बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भी भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड का क्रोध देखो कितना है, ये भी बहुत नुकसानकारी है। परंतु काम का भूत आज मध्यम तो दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाती है ना, तो ये बातें भी समझ करके फिर औरों को समझानी। तुम्हारे सिवाय बाप से मरता लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बता ही नहीं सकता, तुम बच्चे ही बता सकते हो। देह के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? जो किसी को समझाए नहीं सकते हैं तो जरूर उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, उनका बुद्धियों कहां ना कहां भटकता रहता। ये युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे कि समझानी लेना कोई सहज बात है।
तूफान मन के विकल्प ढेर के ढेर न चाहते भी आ जाते, परंतु तो मुझे ना नहीं है, योग बल से ही माया भागेगी। परंतु इसमें पुरुषार्थ बहुत है, धंधे डोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि वहां देवान में रहते हैं, देवान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वो औरों को समझा देंगे। अपन को आत्म समझ बाप को याद करो, बाप की ही शिक्षा देंगे। कभी भी बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होकर रहना है। बल कभी कभी बाहर मुखी होना भी पड़ता है, तो भी जितना फुर्सत मिले कोशिश करके अंतर्मुख होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, परंतु पिछले जन्मों के पाप सिर पर हैं या ब्राह्मण जन्म में जागती पाप बनते हैं? क्यों? पिछले जन्मों में तो एक गुना पाप चढ़ता है, और ब्राह्मण बनने के बाद अगर पाप करते हैं तो 100 गुना पाप बढ़ जाता है। और ऐसे पाप करने वालों में भी नंबरवार है, जो बहुत ऊंच बनते हैं वो इसलिए बहुत नीच भी बनते हैं। उनको फिर बैगर बनना है, बैगर टू प्रिंस बनना है, प्रिंस ही बैगर बनते हैं। तो ये ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले पहले आए हैं वो ही फिर पिछाड़ी में भी आएंगे, जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके माने बहुवचन है। रामकृष्ण की तरफ इशारा दिया, इनके बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म होते हैं। 84 जन्मों में भी अंत का टाइम कौन सा होता है? जब 100 साल पूरा होना होता है। ब्रह्म की 100 साल आयु गई हुई है, 7 साल की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं, फिर जो रह जाता है वो 100 साल का अंत का समय, उसमें फिर प्रवेश करते हैं बाप। तो भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ, और इस समय तो छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व का सदगति दाता, तो छोटे बड़े की बात ही नहीं, वो होता ही है। पुरुषोत्तम संगम युग पर, ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद करना है। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद आता है, परंतु संगम युग सिर्फ तुमको याद है, और तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो सर्विस पर है बहुतों को अपना गोरख धंधा ही याद रहता है, बाहर से मोह हटा हुआ हो
तो धारणा दियो। एक गीत भी सुना अंतकाल जो स्त्री सुमरे, जो गीत अच्छे अच्छे है जिनका ज्ञान से कनेक्शन है वो अपने पास रखना चाहिए। जैसे किसी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा है नैन हूं को राह दिखाओ प्रभु। गीत तो मनुष्य नहीं बनाए, परंतु उन मनुष्यों के संगम का कोई भी पता नहीं है। और गीत है यहाँ के लिए ही, इस समय तो अभी सभी अंधे। जब प्रभु आवे तब ही सभी को रास्ता बता देंगे, और अकेले को तो रास्ता नहीं बता देंगे। ये है ही उनकी शक्ति सेना। अभी बंबई में एक शक्ति सेना निकली है, तब उसकी बात बताइए किसी एक की, क्योंकि आजकल झूठ तो बहुत है ना। बाबा ने कौन सी शक्ति सेना की बात की? और ब्रह्मा बाबा ने कौन सा समझ लिया? जब हद का निकलता है तो बेहद का भी निकलता है। जैसे हद की जनता पार्टी निकली, गुजरात से जयप्रकाश नारायण का एजिटेशन निकला, मुरारजी देसाई ने सहयोग दिया, ऐसे बेहद में भी एडवांस पार्टी में हुआ। तो सन 68 में कोई हद की शिव शक्ति सेना की बात नहीं है, उसको तो झूठा बता दिया। फिर शक्ति कौन सी हुई? जो असल में शिव सत्या प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है उसकी शक्ति सेना भी जब टाइम आवेगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। बोला भी है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, अंत में ही प्रत्यक्ष होना है। आगे देखो जवाहर भी सच्चे थे, फिर जब दाम बढ़ता गया तो झूठे जवाहर आगे ऐसे निकले जो सच्चे से भी अच्छी रौनक वाली दिखाई देते। वैसे ये भी झूठे योग वाले निकले और वो सब हठयोगी है। राजयोग तो एक शिव परम पिता परमात्मा ही सिखाने वाला है। तो भगवान कहते हैं भगवान के सिवाय कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। 18-4 शक्ति वाणी का दूसरा पेज। परंतु भगवान को अपना शरीर तो है नहीं, वो तो है ही निराकार। बाकी जो भी है वो सब शरीरधारी है। ऊंच तो एक ही बाप है जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। तुमको वो ही पढ़ाते हैं, ये तुम ही जानते हो कि तुमको पढ़ाने वाला सदाशिव है। कभी निराकारी स्टेज में कभी साकारी स्टेज में, उसको सदाशिव नहीं कहा जाता। तुम्हारे में भी समझने में नंबरवार है, इसको शिक्षा देने का भी अकल चाहिए।
वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वो सब हट्टे योग है। और राजयोग तो एक ही परमपिता परमात्मा बाप सिखलाते हैं। जब इस दुनिया में कोई भी राजा नहीं रहता, राजाओं का राज्य ही खलास हो जाता है, तो राजा ही का नुस्खा कौन सिखा देगा? परमपिता परमात्मा ही आकर बताते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। हठयोग से तो न मुक्ति मिलती है न जीवन मुक्ति मिलती है। और ये हठयोग तो परंपरा से चला आया है। ये राजयोग सिर्फ संगम पर ही बात सिखलाते हैं, फिर परंपरा तो चलता ही नहीं। बाबा ने समझाया था, भाषण जब करते हो तो टॉपिक निकालनी चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े बच्चे हैं, तो पहले पॉइंट लिखो फिर रिपीट करो तो याद आएगा, फिर पक्का करो। ओरली भाषण करना चाहिए, तुमको भाषण में पढ़कर तो सुनाना ही नहीं है, विचार सागर मंथन करके भाषण करने से उसमें ताकत रहेगी। और इसके लिए अपन को आत्म समझो, ये भी समझना है कि हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से तुम्हारे अंदर ताकत रहेगी। ये तो बहुत ऊंच मंजिल है, पान का दिया उठाना कोई मासी का घर नहीं है। और जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना ही माया का वार होगा। हनुमान भी तंदुरुस्त था ना, तब तो कहा रावण भी हमको हिलाए करके दिखावे। ये कोई स्थूल बातें नहीं है, बुद्ध रूपी पांव हिलाने की बात है। निश्चय को अनिश्चय को, निश्चय को अनिश्चय में बदलने की बात है। उन शास्त्रों में तो सभी दंत कथा है। ये कान जो बाप के सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वो दंत कथाएं सुनते सुनते एकदम पत्थर बुद्धि बन गए। भक्ति मार्ग में देखो कितनी दुर्दशा हो गई, ऐसे भी गवाए। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते कहाँ जाकर गिरे, 84 जन्मों की कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरते गए। अभी बाप ऊपर चढ़ना सिखाते हैं, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बुद्धियों को बाप के साथ नहीं लगावेंगे तो जरूर नीचे गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत तो बहुत है, बहुत बच्चे कफरत करते हैं धंधे आदि में, सब कुछ भूल जाते हैं। माया तूफान में ला देती है, फिर बल हुआ दो ही बातें, फलाना ऐसा है, वो ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, अवगुण ही अवगुण देखने में आते हैं। अरे कोई क्या करता है, कोई कैसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो अभी कोई बना नहीं है। कोई का भी अवगुण न ढोको, गुण ही ग्रहण करो।
अवगुण देखते हो तो मुंह मोड़ लो, मुरली तो चलती है ना, मुरली सुनते धारण करते रहो, बुद्धि से समझाना है। ये बाबा की बातें बिल्कुल ही ठीक है, कोई बात ठीक न लगे तो छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई से कब रूठना नहीं चाहिए। और ब्राह्मणी से रूठा वो या बाप से रूठा, ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि सेंटर पर आते ही नहीं है, गिर पड़ते हैं। पटियाला में कितना ही एक दो से बिगड़ पड़े, बल कोई ऐसा भी है तुमको मुरली सुनने से काम, मुरली जो सुनते हैं उनमें से अच्छी की पॉइंट धारण करनी है। अच्छा ब्राह्मणी से तुमको बात करने में मजा नहीं आता है तो शांति से मुरली सुनकर चले जाना चाहिए, रूठना तो नहीं चाहिए ना। हम यहाँ नहीं आवेंगे ऐसे नहीं, तो देखो नंबर वार बच्चे होते हैं स्कूल में, टीचर्स और स्टूडेंट आपस में बिगड़ पड़ते, तो आपस में मिलकर के उनको बगाए देते हैं, कोई खुश नहीं रहते हैं तो एप्लीकेशन करके बदली करा देते हैं। परंतु यहाँ तो वो बात नहीं है, कोई भी बदली कराए नहीं सकता। यहाँ तो जो बच्चे हैं उनको सुधरना है, वो भी अच्छा है। तुम्हें तो तुम याद में बैठते हो, बाप आकर तुमको सच लाइट देते हैं, बाप अपना अनुभव भी बताते हैं। जब बैठते हो तो जो भी आनंद है वो पहले याद आते हैं, बल कोई विलायत में है वह बंबई में है वह कलकत्ता में है, अन्य बच्चों को याद करके उनको सच लाइट देता हूँ। बच्चे तो बहुत हैं, यहाँ भी है, परंतु याद उनको करते हैं जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं। बल वो बच्चे यहाँ नहीं है, बच्चे जानते हैं कि बाप उनकी आत्मा को याद करते हैं, उनकी आत्मा बहुत सर्विस करती गई है तो जरूर यहाँ की ना। कोई भी घर में गई तो उनको भी बाप याद करके सचलाइट देते, ये आत्मा की बात है ना। वहां भी जो बहुत सर्विस करते हैं उनको भी याद करते, बाप जानते हैं ये भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले बच्चे हैं। और कोई तो फिर धम चक्कर मचाने वाले हैं, लोभ में मोह में क्रोध में आते ही रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सच लाइट भी दी जाती है, क्योंकि लाइट देने वाले दो इंजन है ना, तो ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो ताकत तो जरूर होगी। बल बाबा कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा ही पढ़ाते हैं तो उनकी ही याद रहेगी, बाकी ये तो समझते हो ना। यहाँ दो बत्तियां हैं और तो कोई में दो बत्ती होती नहीं है,
इसलिए यहाँ दो बच्चियों के कर्म को जाते हैं तो रिफ्रेशमेंट अच्छा हो जाता है और टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान आदि किया है तो ये काम तुम्हें सवेरे ऊपर कोठे पर चले जाओ, बाबा ने कोठे तो बनवाए ही, एकांत में जाकर के बैठ जाओ, पैदल करो। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, नीची नजर करके किसी को देखेंगे भी नहीं, परंतु सभी पादरी तेज जैसे नहीं होते। वो पादरी लोग एकदम साइलेंस में पैदल करते हैं, वो तो जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, क्योंकि बेचारे गार्ड को तो जानते ही नहीं है। अगर गार्ड को याद करते होंगे तो शिवलिंग बुद्धि में होगा, वो तो अपने ही मस्ती में जाते हैं, तो उनसे भी गुण उठाना चाहिए। दत्तात्रेय का मिसाल है, दत्तात्रेय सबसे गुण उठाते थे। तो देखो मिसाल एक का दिया जाता है, तुम बच्चे भी नंबर वार दत्तात्रेय हो, अव्वल नंबर दत्तात्रेय कौन हुआ? कैसे दत्ता माना दिया हुआ, त्रय माने तीन के द्वारा, कौन कौन तीन? ब्रह्मा यज्ञ के आदि में, विष्णु वैष्णवी शक्ति और शंकर। शिव बाप तो अकेले आते नहीं, तीन बच्चों के साथ ही आते हैं, तो तीनों के द्वारा जिसका जन्म दिया गया वो हुआ दत्तात्रेय माने ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम बाहर में जा लेंगे तो असुरों को बंदरों को ही देखेंगे, इसलिए यहाँ कोठे बनवाए हुए, एकांत में जाकर के पैदल करो। जितनी कमाई चाहो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो कोई दुनियावी गोरखधंधा आदि है ही नहीं, और टाइम भी बिल्कुल अलग है, 4 बजे का। बाहर में तो सवेरे आने करने में डर लगता है, यहाँ तो डर की कोई बात ही नहीं है, घर में बैठे हो, पहरा भी लगा हुआ है। देखो यज्ञ में पहरा भी देना पड़ता है, कोई चीज पापात्मा न ले जावे, क्योंकि यज्ञ की एक एक कौड़ी बहुत कीमती है, इसलिए उसको सेफ्टी में रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई आवेंगे नहीं, जानते हैं यहाँ माताएं, और ये भी जानते हैं यहाँ कोई जेवर आदि है नहीं, समझते हैं यहाँ से कुछ मिल ना सके, कोई मंदिर भी नहीं है जो जेवर आदि उठा सके, मूर्तियां उठा सके। आजकल चोरियां तो सभी जगह होती है, विलायत में भी चोरियां करके ले जाते हैं पुरानी चीजें, जमाना बिल्कुल डर्टी है, काम महाशत्रु है ना। ये काम महाशत्रु गुटका गुटका कर देता है,
तो सवेरे एक क्लास होता है अगर हेल्दी बनने का, फिर ये भी क्लास होता है अगर हेल्दी बनने का, वो याद का क्लास, ये ज्ञान का क्लास। तो बाप को भी याद करना है, विचार सागर मंथन भी करना है, बाप को याद करते रहेंगे तो बच्चा भी याद होगा। ये इसकी बहुत पहले है, जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं, तो तुम्हारा भी मंडल बीज को तुम याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, चक्रों को याद करेंगे तो तुमको धन मिलेगा। चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, राजा विक्रम और राजा विक्रमादीप, ये दो संबत है, उनको वास्तव में नित्य कर दिया है। रावण आया तो विक्रमी संबत शुरू कर दिया, डेट बदल गई। वो चलता है एक से ढाई हजार वर्ष, फिर ढाई हजार वर्ष से पांच हजार वर्ष। हिंदुओं को तो अपने धर्म का भी पता नहीं है, और ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को भूले हुए हैं। क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि बहुत पुराना है, और धर्म सब नए नए ढाई हजार साल के अंदर ही आए हैं। अभी ये बहुत अधर्मी बन गए हैं भूलने के कारण, अपने धर्म और धर्म स्थापक को ही भूल जाते हैं। तुम समझा सकते हो कि आर्य समाज कब से शुरू हुआ? आर्य तो सुधरेले सचिव में थे, आर्य समाज का स्थापक तो महर्षि दयानंद हुआ। अभी 100-150 साल के अंदर की बात है, तो सुधरेले कहाँ के आ गए? अनार्य मने अन सुधरेले, तो सभी अभी कलयुग में है, अभी तुम आर्य बनते हो। बाप तुम अन सुधरेले अनार्यों को आर्य बनाते हैं, बाप ही तो सुधारते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, जो अच्छे पुरुषार्थी है वो खुद भी जानते हैं, दूसरों को भी रास्ता बताते हैं। बाप तो है ही गरीब पूरा, गांव वालों को भी उठाना है, गांवों में गरीब बहुत होते हैं, समझाने के लिए चित्र तो है ही, चित्रों को रोल कराओ, बहुत में बहुत 6 चित्र बहुत काफी है। 84 के चक्र का एक ही चित्र निकालो और इसमें सभी क्लियर लिखा हुआ है, भूख का बसर भी समझ जाए। परंतु माया ऐसी प्रबल है जो एकदम तबाही बना देती है, पाप को ही भुला देते है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की लाइट और एक इनकी लाइट, और दोनों ही लाइट जबरदस्त है, परंतु ये कहते हैं एक ही जबरदस्त लाइट है बाप की, तो जबरदस्त लाइट को पकड़ो, क्योंकि ये भी पुरस्कार की है ना। अभी बच्चे यहाँ ही आते हैं भागकर, समझते हैं डबल लाइट है, बाप सन्मुख बैठ सुनाते हैं,
गायन भी है, उनके ही साथ मिलना है, उनके साथ खेलना है, खाना है, बैठना है, ऐसे भी नहीं यहाँ ही बैठ जाना है। बहुत में बहुत यहाँ 7 रोज बैठ सकते हैं। कहाँ है? मधुबन में। बस देखते हैं कोई बहुत सर्विसेबल है, अच्छा शौकीन है, नहीं तो सीजन में ऐसे ही बिठा दे तो ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाने। ड्रामा की प्रेम अनुसार सभी कुछ होता रहता है। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए, ये आंतरिक खुशी होती है आप समान बनाने की, और पढ़ाना तो है ही, प्रजा बनावे तब तो राज बन पावे। पढ़ाई ही नहीं पढ़ावेंगे तो राजा कैसे बनेंगे? पासपोर्ट भी चाहिए, बाबा को कोई पूछे तो बाबा तो हर बच्चों का फर्श से बताए देंगे कि तुम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे या दसदासी बनेंगे। शिकल तो देखो हमारे में क्या गुण है, कोई तो समझते ही नहीं है कि हमारे में क्या गुण है। इसमें तो स्तुति निंदा आदि सभी सहन करना पड़ता है। एक ही बार में अगर विषय विकार में गिरे तो खलास हो जाती है। तो बच्चों को अपने याद के नशे में रहना है, फिर भी कितना प्रबंध दिया जाता है तभी कुछ बच्चों को अच्छा मिलता है। कोई तो ऐसे भी बच्चे हैं, समझते हैं जो मिला तो ठीक, यज्ञ के भोजन से भी तो बहुत अलग होना चाहिए, बाबा को अनुभव है। ऐसे ऐसे सन्यासी लोग आते थे, खा करके उठते थे तो थाली पानी से साफ करके वो भी पी जाते थे। महत्व रखते है ना, तो तुमको भी आगे चल करके पता पड़ेगा इस बात का है कि सन्यासी लोग थाली साफ करके एक एक दाना क्यों खा जाते। मनुष्य भूख में झाड़ आदि के पत्ते भी खा लेते। तुम्हारे में भी कोई कोई को पत्ते खाना पड़ेंगे। अरे अगर जीते रहेंगे खाना नहीं मिलेगा तो वो खा देंगे जिनका बुद्धियों बाहर में भटकता होगा। सेवन ऐसा जोर से पड़ता है जो बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते रहते हैं, अभी तुमको तो ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ दुख का नाम निशान नहीं हो, नाम ही है स्वर्ग। और ये किसी कोई ओरिजिनल थोड़े ही है, ये ओरिजिनल स्वर्ग के चित्र तो निकल भी नहीं सके। तो पहले तो आत्मा को ऐसा बनाना है, चित्र में तो साफ दिखाया है कि ऐसा राजा रानी बनना है, वंडरफुल। तो काला चित्र रखा हुआ है, अर्थ का तो किसी को पता नहीं कहाँ काला चित्र कहाँ रखा हुआ है। बिलवाड़ा मंदिर में अंदर कोठरी में काला भूत बैठा हुआ है। अभी सभी काले भूत है ना,
आत्मा में पांच विकार भरे हैं ना, तो देखो उनकी यादगार में काले भूतों का मंदिर भी बनाए रखा है। कहाँ? भीलवाड़ा मंदिर में सफेद मूर्तियों का भी मंदिर है और ऊपर की और काली मूर्तियों का भी मंदिर है। काली मूर्तियों का मंदिर जहाँ भी बनाया है जैनियों ने, वो ऊपर क्यों बनाया है? और सफेद मूर्तियों का नीचे बनाया है, क्या मतलब हुआ है? विजय माला नीचे, ऊंची स्टेज वाले हैं, मनसा के स्टेज ऊंची है। रुद्रमाला की मनसा की स्टेज ऊंची है या विजयमाला की स्टेज ऊंची है? रुद्रमाला की स्टेज ऊंची है, इसलिए रुंड रुंड नीचे दिखाते हैं और मुंड ऊपर दिखाते हैं। अब बताओ उनकी आत्मा काली थी, उनको तुम काला कैसे रखेंगे? तो काली मूर्ति बनाई थी। अभी तुम समझदार बनते हो, बाप कहते हैं जो बिल्कुल ही बेसमझ थे मैं उनमें ही प्रवेश करता हूँ। कहते हैं अपन को ब्रह्मा कहलाते हैं, अरे झाड़ में ऊपर में भी तो नीचे भी बिठाया हुआ है ना। प्राणियों की तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य तो बिल्कुल ही जैसे पत्थर बुद्धि है, ये समझते नहीं है, बात मत पूछो। मैं करते मनुष्य ठीक ही काम करते, ये तो भार खाने वाले हैं, इसलिए उनको तो कुछ भी नहीं करना है, इसलिए फिर झगड़ा वो पड़ता है। शुरू से लेकर इसी बात पर झगड़ा चला। बाप की कैसी उसकी थी, सभी को कहा चिट्ठी लेकर के आओ, हम अमृत पीने जाते हैं, अमृत पी करके फिर भी नहीं पीना। पहले हम थोड़े ही जानते थे कि ऐसा झगड़ा निकल पड़ेगा। इसे पता पड़ा जितना मिलने से कितना झगड़ा हो गया, यहाँ तक कि हमको नदी पार जाना पड़ा। ये बातें कोई समझू बैठ समझे सुने तो वंडर खा दे। कितने बच्चों को संभालते थे, कितनी इंसल्ट करते थे, अभी कोई से बोलो सफाई करो तो उनके अंडे ही बाहर निकल आ गए। यहाँ को भी अंडे होते हैं ना, हम क्रोध में बाहर निकल आ देंगे। बहुत देहाभिमान है, सारा दिन देह को संगारते रहेंगे। बाप कहते हैं ये तो पुराना छिरछी कपड़ा है, उनको छोड़ना है, हम वनवास में है, कपड़ा आज भी साधारण होना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़ों से भी देहाभिमान आ जाता है, इसलिए ऐसी चीज नहीं पहनना चाहिए। पहने होंगे तो सभी की नजर पड़ेगी, आगे पारसी लोग बहुत ही सुंदर होते थे, काली जाली मुंह पर लगाए लेती थी ताकि किसी की नजर न पड़े। तो बाप तुमको इतना गुलगुल बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर तुम क्यों नहीं चलते हो? भला अपना धंधा आदि करो, साथ में पढ़ाई भी करो। ड्रामा को बहुत मेहनता से समझना पड़ता है, जो कुछ पास हुआ
ब्राह्मण फिने उनका चिंतन नहीं करना है, मर गया खलास, तुम अपने काम में लग जाओ, नीति को चिंतो नहीं और कोई हाथ भी नहीं रखो, तुमको ये पता ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको सड़क का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे में बुद्धि में थोड़े ही था कि हम सड़क के मालिक बनेंगे, बाबा विश्व का मालिक बनाते। बाप सभी आशाएं तुम्हारी बंद कर देते, डर से नारायण बनना है, इसी पुरुषार्थ में लगे रहो, कोई नई बात नहीं, अनेक बार तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो, गोल्डन एज से आयरन एज में आए हो, अभी फिर आयरन एज से गोल्डन में जाते हो, और ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार है, जाना तो चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, नए मकानी नई चीज में ताकत बहुत रहती है, दिन प्रतिदिन कोई भी चीज पुरानी होती जाती है, 6 मास 12 मास हुआ तो फर्क तो पड़ता है ना। बाप और बच्चे को जितना याद करेंगे उतना ऊंच बच पा रहे, और तो कुछ भी नहीं है, हलफ और बे हलफ है ये बाबा, इनकी तो महिमा करते हो, अभी खुद ऐसा बनो उत्साह करके। अच्छा आज भोग का दिन है, नीचे मीठे चिकन के बच्चों को रूहानी बाप बताना का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। भोग का दिन नहीं होता तो और लंबा खींच ले जाते।